निर्णय लेने में कभी विलंब ना करें। निर्णय लेने में यदि आपने विलंब किया तो निश्चित रूप से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता तत्काल होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटे से मेढक का प्रसंग सुनाती हूँ, जिससे हम अपनी गलती का एहसास कर सकते हैं और आगे हमें निर्णय कितना जल्दी लेना चाहिए इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। एक बार काफ़ी बारिश हो रही थी और उस बारिश में कई मेढक इधर उधर कूद रहे थे। बारिश में एक व्यक्ति ने अपना बड़ा भगोना, बड़ा बर्तन पानी भरने के लिए रख दिया था, क्योंकि बारिश के पानी में एक खासियत होती है कि वह क्लीनिंग में बड़े काम का आता है। बारिश के पानी में भगोने भरने के लिए उस व्यक्ति ने जहाँ रखा था, एक मेंढक फुदकते फुदकते उस भगोने के अंदर में कूद कर चला गया। वह मेंढक जब उस बड़े भगोने में, बड़े बर्तन में, पानी से भरे हुए बर्तन में जब पहुंच गया तो सोचने लगा कि इतना बड़ा बर्तन और इतना सारा पानी, मुझे बाहर निकलना है, पर निकलूं कि बाद में निकलूं या नहीं निकलूं। पानी भी बहुत अच्छा था, बर्तन भी कम बड़ा नहीं था। वह सोचने लगा कि मैं बाहर निकल जाता हूँ, कोशिश करने लगा निकलने की, फिर सोचा अभी तो बहुत टाइम है, निकल जाऊँगा, ऐसी भी क्या जल्दी है। फिर वो पानी में खेलने लगा। एक घंटे के बाद में वह व्यक्ति जिसने वह बर्तन भर के रखा हुआ था वहाँ आया और अपना बर्तन लेके चला गया। वह व्यक्ति जिसने बरसात का पानी अपने बड़े भगोने में भर के रखा था, उसने उस पानी को ले जाकर आग पर चढ़ा दिया, क्योंकि उसे तो पानी गर्म करना था और वो रंगरेज था, गर्म पानी करके उसमें रंग डाल के वो कपड़े रंगने वाला था। अब उसने पानी को जब आग पर रखा तो वह मेढक सोचने लगा कि पानी कहीं से हल्का हल्का गर्म होते नज़र आ रहा है, मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए। वह सोचने लगा कि मैं इससे निकल जाऊं, बाहर चला जाऊं, क्योंकि हल्का हल्का पानी मुझे गर्म लग रहा है। फिर उसने अपने बॉडी के तापक्रम को उस पानी के गर्माहट के अनुसार सहन करने की क्षमता को बढ़ाया और धीरे धीरे उस गुनगुने पानी में भी वो उछल कूद करने लगा। पर फिर भी उसने जान बचाने के लिए बाहर निकलने की पूरी कोशिश नहीं की। थोड़ी देर में पानी और हल्का गर्म हुआ, इसने और कोशिश की सहने की और अपने आप के तापक्रम को और बढ़ाया। फिर और गर्म होने लगा, इसने और कोशिश की कि शायद इस गर्म पानी को भी वो सह ले। जब इससे सहा नहीं गया, पानी ज़्यादा गर्म होने लगा और ये जलने लगा। जब इसको लगा कि अब तो बर्दाश्त के बाहर है, अब मुझे सहना नामुमकिन है, तो फिर इसने कूद कर बाहर निकलने की कोशिश की। अब इसने सोचा मुझे जान बचानी चाहिए, अब इसने सोचा इसमें तो मैं उबल जाऊंगा। अब मेढक सोचता है इसमें यदि मैं थोड़ी देर भी रहा तो ये पानी मुझे जला डालेगा। अब वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो उछल के और उस भगोने के बाहर निकल के कूद कर अपनी जान बचा ले। उछल रहा है, कूद रहा है, फिसल रहा है, पर ये नामुमकिन हो गया। वह भगोने के बाहर निकल के, बर्तन के बाहर निकल के कूद के अपनी जान नहीं बचा पाया। नतीजा यह हुआ कि कुछ देर में पानी ज़्यादा गर्म हो गया और मेंढक उसी में जल के ख़त्म हो गया। तो पता है ये किस गलती से हुआ? पता है मेंढक ने यहाँ अपनी जान क्यों गंवाई? मेंढक ने अपनी जान इसलिए गंवाई कि जब वो कूद के बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तब तक तो वो शक्तिहीन हो चुका था। सारी एनर्जी उसने अपने तापक्रम को सहने के लिए, अपनी बॉडी को उस तरीके से बनाने के लिए ही लगा दी। जब वो पानी गर्म होता रहा और सहता रहा, वो और गर्म होता रहा, वो और सहता रहा, और इस तरीके से जब उसने निकलने के लिए सोचा, जब जान बचाने के लिए उस बर्तन से बाहर निकलने का प्रयास किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी क्षमता, उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और चाहकर भी उसके अंदर में इतनी एनर्जी नहीं लगा पाया कि वो निकल पाता।
दूसरी गलती उससे ये हुई, जब वो बर्तन में गिर गया, जब वो बर्तन में जाने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं इसमें रुकूं कि इसमें से निकल जाऊं, तब उसने तत्काल डिसीजन नहीं लिया। यदि वो उसी समय जिस समय वह कूदते कूदते बर्तन के अंदर चला गया था और वो सोचता कि मुझे निकलना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे बाहर जाना है, और वो बर्तन से तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करता तो निकल जाता था, क्योंकि उस समय उसके साथ पूरी शक्ति फुल एनर्जी थी। जैसे ही वो गिरा था वैसे ही निकल सकता था, पर गिरने के बाद उसने तत्काल डिसीजन निकलने का नहीं लिया, इसलिए भी उसने प्राण गंवाए। और दूसरा, गिरने के बाद में जब पानी गर्म होने लगा तो तुरंत तत्काल यदि वो निकल जाता तो भी बच जाता, पर उस समय भी उसने अपनी सारी एनर्जी उधर गर्म पानी के होने के सिलसिले में अपने आप की सहन शक्ति में लगा दी। इसलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में कभी भी हमें विलंब नहीं करना चाहिए। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को तत्काल निर्णय लेना चाहिए, और तत्काल निर्णय लेने पर ही वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है और अपनी ज़िंदगी में आरोग्य और आयुष की रक्षा करता है।